छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के हसौद थाना अंतर्गत ग्राम नरियरा में कुछ दिन पहले दबंगों की मनमानी करने का मामला सामने आया, जहां गांव के ही कुछ दबंगों ने घर पर कब्जा करने की नीयत से महिलाओं को उसकी दो नाबालिग बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। और इतना ही नहीं, दबंगों ने महिला के घर का सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया और कांटे तार की मदद से घर को घेर कर अपने कब्जे में कर लिया, जिसके बाद महिला ने तत्काल हसौद थाना जाकर थाना प्रभारी ललित चंद्रा को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई और पुलिस ने एक महिला सहित तीन दबंगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर प्रार्थी को बच्चों सहित उनके घर में सकुशल वापस कराया। नरियरा के रहने वाली महिला पुष्पा बंजारे थाना आकर रिपोर्ट कराई कि उसके सास ससुर द्वारा दिए गए बंटवारे जमीन पर वो अपना घर बनाकर रह रही थी, जिनके पति जो है काम से उड़ीसा में रहते हैं। वो अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही थी, जो आके बताई कि गांव के सरपंच एवं उनके परिवार, उसके भैया भाभी और अन्य सदस्य घर पर उनकी अनुपस्थिति पे आके बच्चों को गाली गलौज का डाल धमका कर उनके घर पर तोड़फोड़ किए और जमीन पर आगे और पीछे उनके द्वारा लगाए गए कांटा तार को उखाड़ कर अपना लगा दिए और इन्हें घर से निकाल दिए, जिन्हें आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रार्थी के साथ घटनास्थल पर आकर उन्हें वापस उनके घर पर बसाया गया है।